तो भाई लोग कैसे हो, उम्मीद कर तो सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। ये गेमिंग न्यूज़ शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहले बात करते हैं साइबर पंक के बारे में। तो साइबर पंक ने टोटल 13 मिलियन कॉपी सेल कर चुका है, जो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट आता है पबजी मोबाइल पाकिस्तान के तरफ से। सो पबजी मोबाइल पाकिस्तान के मिनी वेब सीरीज आ रहा है जिसका नाम है गली स्क्वाड। नेक्स्ट अपडेट आता है रोलेक्स के बारे में। तो रोलेक्स के पबजी मोबाइल का अकाउंट टेम्पोररी बैन हो गया है 24 आवर्स के लिए। ये बात कोई नई बात नहीं है, पबजी मोबाइल पे ऐसा होता है, पहले भी बहुत सारे बिग कंटेंट क्रिएटर के साथ भी हुआ है, तो अभी भी ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है डायनामो की तरफ से। तो डायनामो ने अपने हाइड्रा फैंस के लिए हाइड्रा टाउन रोल पे टीजर अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका पूरा ट्रेलर आपको 27 दिसंबर को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो कॉल ऑफ ड्यूटी में एक नया अपडेट आया है जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आप स्क्रीन पॉज करके भी वो पूरा अपडेट देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आता है श्राउड के बारे में। तो श्राउड से पूछा गया वो स्ट्रीम करना कब बंद कर देंगे, तो श्राउड ने ये बोला आने वाले 10 सालों में तो नहीं, लेकिन श्राउड ने ये बोला है अगर गेमिंग से उनका मन भर जाएगा तब वो स्ट्रीम करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट आता है TSM सीट के बारे में। तो TSM सीट ने पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन लीगल है या नहीं इसके बारे में कुछ ओपिनियन शेयर किया है, जो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, तो आप लोग पूरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। मैं लास्ट स्टोरी डाल रहा हूँ क्योंकि क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन पबजी बैन हुआ था उसके काफ़ी दिनों बाद तक हम लोग ऑफिशियल्स के साथ टच में थे, तभी सारे ऑर्गेनाइजेशन के कोचेज मैनेजर्स टच में थे, और तभी अपकमिंग इवेंट्स के लिए हमने उनको एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोग इंडिया के बाहर जाके रीजन चेंज करके खेल सकते हैं क्या। उनका तभी आंसर बहुत सिंपल था कि उन्होंने मना कर दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल, और बोला था कि दे डिड नॉट वॉन्ट एनी रीज़न टू जेपरडाइज द रिटर्न ऑफ पबजी इन इंडिया। वो टाइम मैं बात कर रहा हूँ अर्ली अक्टूबर वगैरह की, मतलब तभी तो कुछ रिटर्न वगैरह का कुछ कन्फर्म भी नहीं था। पॉइंट है कि वो लोग कॉन्स्टेंटली टच में थे तभी से अभी तक, और जब भी उनको लगता था कि बॉस ये तुम्हारा स्टेप अब जेपरडाइज कर सकता है, वो लोग बता देते थे फर्स्ट ऑफ ऑल। जितने भी लोग ये अजम्पशन पे चल रहे हैं कि KR वर्जन खेलने से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम होगा हम लोग सबसे पहले ऑफिशियल बताएंगे। और मैं बताता हूँ, शर्म नहीं आती, ऑफिशियल मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, और दो तीन ही लोग हैं जिनसे अभी बात कर रहे हैं, उनसे मेरे पास खबर आती है। कोई भी अगर ऐसा स्टेप होगा जो उनको लगता है गलत हो रहा है उनके लिए, जो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, वो तुरंत बता देते हैं कि बॉस तुम लोग ये मत करो। हाँ, वो लोग ये भी नहीं बोल रही कि KR तुम लोग खेलो, बट अगर कुछ प्रॉब्लम उनको लग रहा है कि होगा तो वो लोग बता देंगे। तो यार पॉइंट ये है कि माइट और इफ पे आर्टिकल्स बनाना, इतना बवाल करना थोड़ा कम करो। अब कुछ फ्री फायर रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं 1 जनवरी को आप लोगों को ये देखने को मिलेगा फ्री फायर का बर्मुडा 2.0 का नया मैप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आता है ऑरा गेमिंग के तरफ से। सो काफ़ी दिनों से ऑरा गेमिंग अपने यूट्यूब चैनल पर इनएक्टिव है, उसका रीज़न उन्होंने बताया कि उनको एक दिन पे दो इवेंट का कास्टिंग करना पड़ रहा है, और किन किन इवेंट्स का उनको कास्टिंग करना पड़ रहा है तो आप मेरे स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, और उन्होंने कुछ स्टोरी शेयर किया, तो अब खुद सुन लीजिए। तो गाइस अभी आप लोग समझ गए होंगे भाई मैं इनएक्टिव क्यों था और क्यों नहीं डाल पा रहा था वीडियोस चैनल पे। यही रीज़न था कि भाई मैं पूरे इस 2 वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी था। अभी कुछ इवेंट्स बचे हुए हैं तो उनको कंप्लीट करके कमबैक करते हैं ढंग से, तो पक्का आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी वापस। तो चिंता मत करो यार, थोड़ा सा यही था कि यार थोड़ा मैसअप और खा था, इवेंट्स में बिजी था और टाइम नहीं मिल पा रहा था, और सबसे ज़्यादा थक जा रहा था। एक एक दिन में दो इवेंट की कास्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कई कई दिन तो मैंने 3-3 इवेंट्स की भी कास्टिंग करी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा थक जा रहा था, टायर्ड हो जा रहा था एकदम बॉडी का, समझ रहे हो ना भाई क्या मुसीबतें थी।
तो उसी वजह से बहुत ही जल्दी कमबैक करूंगा, दुआ करो और प्यार देते रहो। अब बात करते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग ने एक ट्वीट किया जहाँ पे वो ये लेके गेमिंग लाइव स्ट्रीम पे 1 मिलियन लाइक इंडिया में रिकॉर्ड है, क्या बताओ भाई लोग आज लाइव पे 1 मिलियन लाइक आया है। सो गाइस इसके रिगार्डिंग जेम ई स्पोर्ट्स ने ये बोला है, टोटल गेमिंग हिट्स 1 मिलियन लाइक्स लाइव ऑन ए स्ट्रीम, ए रिकॉर्ड फॉर गेमिंग लाइव स्ट्रीम इन इंडिया। सो गाइस आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स पे ये बता सकते हो। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स पे बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में उस बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक के लिए बाय।